में हो रही बारिश और जल जमाव के बीच शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू का खतरा बरकरार है। रिम्स में सोमवार को एक और डेंगू मरीज भर्ती होने के साथ ही डेंगू पीड़ितों की संख्या अब 6 हो गई है। वहीं शिशु रोग विभाग में भर्ती 11 साल के एक बच्चे में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेंगू और स्वाइन फ्लू पीड़ित में मौसमी बीमारी के लक्षण थे। खांसी और बुखार की शिकायत के बाद इनके लक्षणों को देखते हुए आइसोलेशन विभाग में रखा गया था। इधर राजधानी में डेंगू के लार्वा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न इलाकों से जांच सैंपल लेकर रिम्स भेजना शुरू कर दिया है। सोमवार को 12 सैंपल रिम्स में आए, जिसकी जांच आज की जाएगी। रिम्स में 6 डेंगू पीड़ितों के भर्ती होने के बाद नगर निगम ने जल जमाव खत्म करने और डेंगू के लार्वा को मारने का अभियान तेज कर दिया है। शहर में फॉगिंग शुरू कर दी गई है और अभी कोल्ड फॉगिंग की 3 और थर्मल फॉगिंग की 2 मशीनें अलग अलग वार्ड में स्प्रे कर रही हैं। वहीं हर वार्ड में 5-5 हैंड स्प्रे की भी व्यवस्था की गई है। डेंगू से निपटने के लिए शहर की सरकार आज बैठक करेगी। इस बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। इसमें डेंगू के बढ़ते खतरे को खत्म करने के संभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाने के साथ सैंपलिंग कार्य में तेजी लाने पर निर्णय लिया जाएगा। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, अंजनी देखिए, आज शहर की सरकार बैठक करेगी और ये बैठक कितनी अहम है इसी से समझा जा सकता है कि देखिए डेंगू और स्वाइन फ्लू के खतरे अब बढ़ने लगे हैं। रिम्स में एडमिट है मरीज, लेकिन ये जो बैठक आज हो रही है, अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती, थोड़ी सी संजीदगी दिखाई जाती निगम की तरफ से, तो शायद इस पर काबू बहुत पहले ही पा लिया गया होता। देखिए, जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता है और यही वजह है कि नगर निगम को के पास अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिससे वो मच्छर को भगाता है। एक तो है कोल्ड स्प्रे करता है और एक स्प्रे अलग स्प्रे है, उसके बाद मैनुअली भी स्प्रे होता है। तो हमें लगता है कि तमाम सुविधाएं रहने के बावजूद यदि नगर निगम सोया हुआ है तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल हो सकता है कि आखिर नगर निगम करती क्या है और नगर निगम में तमाम जो पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के कई अधिकारी हैं। तो हमें लगता है कि शहर में जिस तरह का डेंगू का लार्वा मिला है और एक हलकंप सा मचा है, आप तमाम लोगों को याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले जो है रांची में कई इलाकों में डेंगू का भयंकर प्रकोप बढ़ा था और लोग परेशान थे। वो थड़पकना का इलाका हो या फिर हिंदपीढ़ी का इलाका हो, कांटा टोली का इलाका हो या चुटिया का इलाका हो, कई इलाकों में लोग परेशान थे और अपने अपने स्तर से लोग सरकारी हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। तो डेंगू के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पूरी तरह से लोगों को साफ सफाई अपने घर के अगल बगल रखना चाहिए। और दूसरी एक बात यह है कि रांची नगर निगम का भी दायित्व बनता है कि पूरे वार्ड में जो है, जो 52 वार्ड में, उन्हें पूरी तरह से साफ सफाई का काम करना चाहिए और मच्छरों को भगाने के लिए
जो अलग अलग तरह के, जो सिस्टम है, दो फॉगिंग मशीनें अभी लगाई गई हैं, जिन दो फॉगिंग मशीनों को अभी काम पर लगाया गया है, उनसे स्प्रे कराया जा रहा है। अगर बारिश का मौसम रहते, अगर जैसे बारिश खत्म हो रही थी, आप देखिए हालांकि बारिश इस बार ज्यादा हुई है, लेकिन अगर समय रहते, अगर ये काम निपटाया जाता, अगर नाली उड़ाही सही से हुई होती, जल जमाव कहां पर हो रहा है अगर उनको सही से मैनेज किया जाता, तो शायद ये जो तस्वीरें अभी आ रही हैं, ये खतरा बढ़ता नहीं। हाँ देखिए, पहले ही मैंने कहा है कि नगर निगम को भी सजग होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कोल्ड फॉगिंग की मशीन है, हैंड स्प्रे की मशीन है, इसके अलावा और अन्य कई संसाधन हैं, तो उनका उपयोग हमेशा होते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है, आर्थिक जो रहने पूरे वार्ड में रहने वाले लोगों का भी दायित्व है कि वो भी अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें। दूसरी इसमें एक बात ये होती है कि अमूमन होता ही है कि लोगों का घर है, बड़ा घर है या कैंपस है, वहाँ पुराने टायर रखे हैं, पुराना टीना रखा है, तो और उसमें जल जमाव है, उससे भी डेंगू का जो लार्वा है वो पनपता है और डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने घर के अगल बगल अंदर बाहर थोड़ा साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना भी जो दायित्व है वो निभाना चाहिए। लेकिन नगर निगम हर तरह का टैक्स लेती है, तो उसका भी दायित्व है कि चीज़ों का इस्तेमाल जो है पूरे वार्ड में हो। और जब प्रकोप बढ़ा है तो कोल्ड फॉगिंग की जा रही है, लेकिन कई इलाकों से ये खबर आ रही है कि पूरे इलाकों में, पूरे वार्डों में, पूरे गली मोहल्ले में ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है रांची नगर निगम में होने वाली है, और बैठक के बाद क्या फलाफल आएगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और दूसरी एक बात ये भी है, स्वाइन फ्लू का भी खतरा जो है पूरे राज्य में देखेंगे तो बढ़ रहा है। आपको वहाँ से कल एक 11 महीने की एक बच्ची भी आई है, तो हमें लगता है कि स्वाइन फ्लू को लेकर के भी जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है, उसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। तो हमें लगता है कि जो स्वाइन फ्लू है ये कहीं ना कहीं सांस से होता है, किसी के छींकने से हो सकता है, तो ऐसे समय में लोगों को मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, और कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि आप अपने घरों के अगल बगल साफ सफाई जरूर रखें। मतलब सिर्फ प्रशासन और निगम के भरोसे ही ना रहें, आप खुद भी सतर्क रहें, खुद भी एहतियात बरतें, अगर डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से बचना है तो खुद की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। आप कितने सुरक्षित खुद को रख पा रहे हैं, कितना व्यवस्थित हैं, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जब बैठक होगी तो और भी डिटेल्स बताएंगे। शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, निगम आज निगम की बैठक होनी है, आपको बताएं कि मेयर बैठक करने वाली है। ये जो राजधानी में, आप पूरे झारखंड की हम बात कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू और डेंगू का खतरा बढ़ गया है, और इस खतरे से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, वो अपडेट्स आपको बताएंगे बैठक में क्या कुछ रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।